शानदार खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबर सनसी न्यूज चैनल में युवा जोश नई सोच के साथ विशाल पटेल के साथ आपका स्वागत है। ले चलते हैं लखीमपुर खीरी से, देखते हैं यह बड़ी खबर। लखीमपुर खीरी मैलानी नगर में भाजपा नेत्री प्रीति वर्मा ने पैदल भ्रमण कर पार्टी द्वारा किए जा रहे कार्यों का प्रचार किया। वह आमजन की समस्याओं को भी सुना एवं उनका शीघ्र ही समाधान करने का वादा किया। पैदल भ्रमण कार्यक्रम के दौरान भाजपा की जिला मंत्री मंजू श्रीवास्तव, नगर पंचायत की पूर्व अध्यक्ष फूलमती सुरेंद्र मिश्रा, शिव गोविंद कुशवाहा, आनंद कुमार मौर्य, गोपाल श्रीवास्तव, हरिप्रकाश मिश्रा, राजेश कुमार, सभासद योगेश संखवार, पीएस रावत सहित सैकड़ों की संख्या में महिला पुरुष भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। भाजपा कार्यकर्ता द्वारा कस्बे में कई वार्डों में पैदल चलकर भाजपा की नीतियों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। इसी क्रम में मैं जिला मंत्री महिला मोर्चा की मंजू श्रीवास्तव जी से अनुरोध करूंगा, नगर पंचायत अध्यक्षा श्रीमती फूलमती जी से भी अनुरोध करूंगा। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि उज्ज्वला गैस जो है उसका कनेक्शन अभी आप लोगों को मिला है, तो मेरा निवेदन है यहाँ पर अगर गैस एजेंसी मालिक भी बैठे हुए हैं, अगर किसी को इससे संबंधित कोई समस्या है, यहाँ पर हमारे सम्मुख और यहाँ पर अधिकारीगण भी उपस्थित हैं, यहाँ तहसीलदार साहब हैं, अगर किसी को किसी भी तरह की कोई समस्या है तो वो भी यहाँ पर अवगत करा सकता है। हमारी सरकार की तरह तरह की योजनाएं हैं, जैसे कि शौचालय है, आवास है, अगर इससे भी संबंधित कोई दिक्कत है तो वो भी हम लोगों को अवगत करा सकता है। हम लोग प्रदेश पदाधिकारियों को जगह जगह नगर नगर में गांव गांव में इसीलिए भेजा गया है, अगर किसी बड़े पैमाने पे कहीं दिक्कत आ रही है तो हम वहां से वो चीज़ नोट करके जो हमारे स्तर की हो उसका समाधान कर सके, अगर हमारे स्तर की नहीं है तो वो हम प्रदेश पदाधिकारी जो उच्च अधिकारी हैं उन तक उस चीज़ को लेकर जाएं ताकि समाधान निकले। छोटी शौचालय की तरफ से है हमारी समस्या। अच्छा नहीं ठीक है, आप अभी इसके बाद में मीटिंग के बाद में जो भी समस्या है वो आप यहाँ पर पेपर दे दीजिएगा और उस समस्या का समाधान तत्काल हो जाएगा। ये चौपालें इसी मद्देनजर करी भी जा रही हैं, इससे पहले भी चौपालें हुई हैं और आज भी इस चौपाल का मकसद यही है कि आपकी समस्या का समाधान हो सके। उज्ज्वला गैस जो है उसका मकसद केवल ये नहीं है कि आपको गैस दे दी गई है, उसके कई विस्तृत मतलब हैं। एक तो महिलाओं के जो धुएं से परेशानी होती थी, कंडा पाटने में बठिया लगाने में जो समय जाया होता था उनकी समय को देखते हुए कि वो समय सुरक्षित हो सके उससे वो कुछ और कर सके, महिलाओं की स्वास्थ्य की दृष्टि से वो जब धुआं है वो फेफड़े के अंदर जाता है तो तरह तरह की बीमारियां होती हैं, तो इन सभी से निजात मिलेगी और साथ ही साथ आपके साथ में जो बच्चा बैठा रहता है वो भी कहीं ना कहीं उस धुएं का शिकार होता है और धीरे धीरे करके उसको तरह तरह की बीमारियाँ हो जाती हैं। उज्ज्वला गैस जो है वो अपने आप में बहुत बड़ी योजना है जिससे कि करोड़ों लोगों को लाभान्वित भी किया गया है। ऐसे ही योजना है शौचालय बनने की, शौचालय का मतलब भी यही नहीं है कि केवल शौचालय बना